दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच में बनाया जा रहा है, जिसे कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर भी कहते हैं। 82 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में टोटल 25 स्टेशन है, जो कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता है। 82 किलोमीटर में से 34 किलोमीटर का खंड पहले ही जनता के लिए खोला जा चुका है। भारत की पहली RRTS बिजली को भी बचा रही है, पॉल्यूशन को भी कम कर रही है और दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को तेज गति प्रदान कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, 20 अक्टूबर 2023 को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इसके और 17 किलोमीटर के स्ट्रेच को खोला गया था, जिस पर कि लोग अब सफर कर रहे हैं। हर 5-6 महीने बीतने के बाद इसका एक एक खंड खोला जा रहा है। डेली 10,000 से ज्यादा यात्री नमो भारत पर सफर कर रहे हैं। इसके तीसरे चरण में इसके दिल्ली वाले खंड को खोला जाएगा। दिल्ली का सराय कालेखा RRTS स्टेशन लगभग बनकर के तैयार हो गया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने से पहले आइए हम आपको इसके कुछ नए खासियत बताते हैं। दोस्तों, दिल्ली में RRTS को हैंडल करने का काम NCRTC करती है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम, और उनके द्वारा बताया गया है कि RRTS कॉरिडोर में 2.21 मेगावाट पीक इन हाउस सौर ऊर्जा उत्पादन सालाना 2300 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को बचाने में योगदान दे रहा है। यानी कि RRTS कॉरिडोर 2.21 मेगावाट की सौर ऊर्जा को उत्पादन कर रहा है, जिसके वजह से 2300 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो गया है। NCRTC ने अपने स्टेशनों पर डिपो और रिसीविंग सब स्टेशनों को स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है। मतलब ये कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर पर जो टोटल 25 स्टेशन हैं, उन स्टेशनों के छत पर सोलर पैनल को बिठाया गया है और उसी से बिजली को लिया जा रहा है। और चूंकि सौर ऊर्जा एक रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसके वजह से 2300 टन कार्बन उत्सर्जन कम हो गया है। सौर ऊर्जा संयंत्र गुलधर और साहिबाबाद RRTS स्टेशन पर चालू है, जिनमें से प्रत्येक की अधिकतम बिजली क्षमता 729 किलोवाट की है। इसके अलावा दुहाई डिपो और दुहाई डिपो स्टेशन पर क्रमशः 585 किलोवाट 108 किलोवाट की क्षमता अवेलेबल है। अभी 2.21 मेगावाट की बिजली को RRTS के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि आगे जाकर के इस पूरे कॉरिडोर से 11 मेगावाट के ऊर्जा को जनरेट किया जाएगा, जिसके वजह से सालाना लगभग 11,500 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा और इसके वजह से दिल्ली की पोल्यूशन कम होगी। क्योंकि गाइस, दिल्ली का पोल्यूशन कैसा है ये आप सभी जानते हैं। कभी कभी तो दिन में ही बादल बन जाता है, कुहासा छा जाता है, इतना ज्यादा वहाँ पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में इस कॉरिडोर में जो बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा रहा है। ये दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में सब कुछ है, लेकिन सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं है, वायु पॉपुलेटेड है, तो फिर सब कुछ होकर के भी बेकार है। बिना शुद्ध ऑक्सीजन के लोग नहीं जी पाएंगे, इसीलिए डेवलपमेंट के साथ साथ पॉल्यूशन पर ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है और भारत सरकार उस पर ध्यान दे रही है। और यही कारण है कि RRTS पर ज्यादा से ज्यादा बिजली का उत्पादन करने का प्रयास किया जा रहा है। अब अगर इसके लेटेस्ट अपडेट की बात करें, तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही दिल्ली में सभी RRTS स्टेशन का निर्माण काफी तेजी से जारी है और ये सभी स्टेशन आकार ले चुके हैं। दिल्ली के अंदर RRTS की टोटल लंबाई 14 किलोमीटर है। इसमें से 9 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो एलिवेटेड है और 5 किलोमीटर का हिस्सा भूमि के अंदर है, यानी कि अंडरग्राउंड। और ये दोनों के दोनों नक्शे लगभग पूरे हो चुके हैं। दिल्ली में वायडक्ट निर्माण कार्य पूरा होने से सराय कालेखा से लेकर के मेरठ के शताब्दी नगर तक लगभग 57 किलोमीटर के एलिवेटेड हिस्से में वायडक्ट का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। दिल्ली सेक्शन में सराय कालेखा, न्यू अशोक नगर और आनंद विहार, जो कि अंडरग्राउंड है, ये तीनों RRTS स्टेशन बन चुके हैं। इस पर अब फिनिशिंग का काम जारी है। NCRTC के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस साल 2024 में अक्टूबर महीने में RRTS इसका सराय कालेखा तक ट्रायल शुरू हो जाएगा। जनवरी फरवरी 2025 तक यह ट्रैक दिल्ली से मेरठ तक दौड़ने लगेगी। हालांकि दिल्ली में नव भारत को चलाने का जो टारगेट है वो 2025 जून में रखा गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि काम काफी तेजी से चल रहा है, ये जनवरी फरवरी 2025 में ही स्टार्ट हो जाएगा। नाउ ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर का 75% काम पूरा हो चुका है और बाकी का काम जारी है। उसके बाद पूरा RRTS जून 2025 में चालू हो जाएगा। तो गाइस, ये था RRTS का लेटेस्ट अपडेट। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ और भी कई कॉरिडोर पर काम करने हैं RRTS को लेकर के, तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि वो और कॉरिडोर कौन कौन से हैं, कौन कौन से शहर के बीच में उसको चलाया जाएगा और उसका काम स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ऑल अबाउट डेट। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।